रायसेन में एक तेज रफ्तार एंडेवर कार ने पहले मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, तत्पश्चात बाद में गुमठी में चाय पी रहे लोगों को उड़ा दिया। इस दुर्घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं कई लोगों के पैर भी धड़ से अलग हो गए हैं। भयानक सड़क हादसे में कई युवकों के पैर धड़ से अलग होकर करीब 20 फीट दूरी पर जा गिरे। तत्पश्चात बेकाबू तेज रफ्तार कार पलटकर खंती में जा पलटी। इस भीषण हादसे में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। वहीं जो है पैर कटकर अलग हुए 4 घायलों सहित एक अन्य सहित कुल 5 लोगों को भोपाल रेफर किया गया है। बाकी 4 अन्य घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। भोपाल रेफर किए गए सभी घायलों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। यह दुर्घटना रायसेन विदिशा रोड पर ग्राम कटारिया में हुई है। घटनाक्रम हुआ है, सूचना मिली थी टेलीफोन के द्वारा कि ग्राम घाटला के पास में एंडेवर गाड़ी कुछ मोटरसाइकिल वालों को डैश किया है। तो वो तत्काल मौके पहुंचे थे, वहां से घायलों को लेकर के हम लोग हॉस्पिटल लेके आए थे। एक व्यक्ति को तो हम अपने एफआरबी में ही रख के लाए हैं, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति है, उसको भी रेफर किया है। क्योंकि मोटरसाइकिल में 3 सवार थे और ये भोपाल से अपने गाँव जा रहे थे छतरपुर, जो बड़ी गाड़ी थी एंडेवर गाड़ी में लोग सवार थे। अचानक किसी कारणवश या तो देख नहीं पाए होंगे या मोटरसाइकिल वाले ने कहीं रॉन्ग साइड मोड़ा होगा, उसी को लेकर के एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 5-6 लोग घायल हैं और इनको सभी को अस्पताल से रायसेन से भोपाल रेफर किया। तो कहाँ के निवासी थे? कुछ छतरपुर के हैं जो बड़ी गाड़ी लेवर में थे और कुछ यहीं लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।